याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज गोपियों ने जवाब दिया कन्हैया, तू तो कहता था कि जो भी बात होगी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आज तो बिना बताए चल दिया, यही तेरा तेरा प्रेम था। मेरे श्रोता बंधुओं, आज गोपियों को समझाया और इधर मेरे श्रोता बंधुओं, राधा को जब पता चला तो राधा भगवान कन्हैया के सामने आ गई। मेरे श्रोता बंधुओं, कन्हैया जो भी अपने मन में बात सोचते थे वो राधा को पहले ही पता लग जाते थे, क्योंकि भगवान कन्हैया जो थे ये 16 कलाओं से थे और राधा जो थी ये 64 कलाओं से थी। तो राधा को जब ये पता चला तो राधा सामने आ गई और जवाब दिया, कन्हैया तुमने अच्छा नहीं किया, आज तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो, ये जब राधा ने कहा तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि राधा जो भी हमारे बीच में हुआ, जो भी था उसे बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो मुझे भूल जाना। आज जब कन्हैया की ये बातें सुनी तो आज राधा रानी कहने लगी, कन्हैया तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया, तू जानता है ये सब ब्रज वाले मुझसे कहते थे कि राधा कन्हैया से प्रीत मत करना, ये बहुत बड़ा छलिया है, लेकिन मैंने इन ब्रजवासियों की बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगता था कन्हैया किसी से प्रेम करे या ना करे, किसी से प्रीत करे या ना करे, किसी को छोड़ करके चला जाए